दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं मेडिकल बॉक्स के बारे में। कई सबसे कमेंट्स आ रहा है कि मेडिकल बॉक्स में जो है MI का जो मोबाइल है उसका जो अकाउंट लॉक है वो अकाउंट लॉक जो है रीसेट नहीं हो रहा है मेडिकल बॉक्स से। और दूसरा जो कमेंट आया था मेरे पास कि जो ओप्पो मोबाइल है और वीवो मोबाइल है उसमें जो अकाउंट लॉक आता है, ठीक है, वीवो में जो अकाउंट लॉक आता है तो वीवो का अकाउंट लॉक जो है मेडिकल बॉक्स से जो है रीसेट नहीं हो रहा है। और अगर रीसेट करने की कोशिश हम करते हैं MI को या वीवो को तो हमारा मोबाइल जो उल्टा जो है मतलब लोगों पर जो है अटक जाता है, ठीक है, उसके बाद हमें दोबारा उस मोबाइल को फ्लैश करना पड़ता है। तो कैसे आप जो है MI का जो अकाउंट रिसेट कर सकते हैं, तो दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि MI का अकाउंट आप कैसे रिसेट कर सकते हैं। और दूसरी बात, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अभी जो मेडिकल बॉक्स जो का जो नया सेटअप आया है तो इस सेटअप में जो है MI अकाउंट को रिसेट करने का जो ऑप्शन आ चुका है। और अब MI, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि MI अकाउंट लॉक और ओप्पो अकाउंट लॉक, ठीक है, इसे अगर आप अनलॉक करना चाहेंगे तो मेडिकल बॉक्स से नहीं हो पाएगा क्योंकि उसमें जो फैसिलिटीज जो नहीं दी गई थी। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अभी जो नया जो मेडिकल का सेटअप आया है 2.51, ठीक है, तो इस सेटअप में जो कंपनी ने जो है ये फैसिलिटी दे दी है कि आप जो है ओप्पो का MI का जो है अकाउंट लॉक जो होता है, एक होता है FRP लॉक के बारे में आपको बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मैं MI अकाउंट लॉक और ओप्पो अकाउंट लॉक के बारे में बात कर रहा हूं कि आप ओप्पो अकाउंट लॉक और MI अकाउंट लॉक का जो है अपने मेडिकल बॉक्स से जो है अनलॉक उसे कर सकते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं इस वीडियो में कि आप जो है मान के चलिए कि किसी भी कंपनी का मोबाइल हो, MI हो, ओप्पो हो, वीवो हो, किसी भी कंपनी का मोबाइल हो, उसमें अगर पैटर्न लॉक लगा हुआ है और मान के चलिए उसमें कूलकॉम CPU, ठीक है, कूलकॉम CPU का कोई भी कंपनी का मोबाइल हो अगर उसमें अगर कूलकॉम CPU है तो कूलकॉम CPU का जो अगर आप मान के चलिए कि पैटर्न लॉक को अगर आप रीड करना चाहेंगे तो ये सारी फैसिलिटी जो है मेडिकल बॉक्स में नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दोस्तों कि जो 2.51 का जो सेटअप आया हुआ है तो इस सेटअप में जो ये सारी फैसिलिटी जो है दी हुई है, ठीक है। तो मैं अभी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से जो है आप पैटर्न लॉक को जो है रीड कर सकते हैं कूलकॉम CPU का, चाहे वो मोबाइल किसी भी कंपनी का हो, चाहे वो ओप्पो का हो, वीवो का हो, किसी भी कंपनी का मोबाइल हो, उसमें अगर कूलकॉम CPU है उसका जो है आप पैटर्न लॉक को रीड कर सकते हैं बिना किसी नुकसान के। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस जो मेडिकल सेटअप की जो लिंक है इसे मैंने अपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और आप जानना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को आप लास्ट तक का देखते रहे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे EX मन्ना YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे सब्सक्राइब कर लें। आप सोचेंगे सब्सक्राइब करने से क्या होगा, दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी कोई नई वीडियो हम अपने YouTube चैनल पर अपलोड करेंगे इसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को देख सकेंगे। अगर आप कंप्यूटर पर देख रहे हैं तो यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप मोबाइल पर देख रहे हैं वीडियो तो वीडियो के नीचे यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पैटर्न लॉक को रीड करने से पहले मैं आपको थोड़ा समझा दूं और थोड़ा आप समझ लें। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि एक नंबर पे जो कूलकॉम को जो ऐड किया गया है सेफ मोड फैक्ट्री रीसेट। तो दोस्तों ये सेफ मोड फैक्ट्री रीसेट का जो ये ऑप्शन था ये पहले नहीं था, ठीक है, पहले के सेटअप में जो नहीं था ये ऑप्शन। और अभी जो ये 2.51 का जो सेटअप आया है इस सेटअप में जो है ये ऑप्शन जो है दे दिया गया है। और दूसरे नंबर पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि फैक्ट्री रीसेट ऑटो मोड, तो फैक्ट्री रीसेट ऑटो मोड जो है ये भी ऑप्शन जो पहले वाले सेटअप में नहीं था इस सेटअप में दे दिया गया है। आप जो है ऑटो मोड से भी आप जो फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि डायरेक्ट अनलॉक, ठीक है, तो डायरेक्ट अनलॉक का जो ऑप्शन जो है पहले वाले सेटअप में नहीं था और इस सेटअप में जो है अभी दे दिया गया है। आप डायरेक्ट अनलॉक भी कर सकते हैं पैटर्न लॉक को, ठीक है, और रीड भी कर सकते हैं। और उसके बाद चौथे नंबर पर आप देख सकते हैं कि रीड पार्टीशन, तो रीड पार्टीशन में आपको बता दूं दोस्तों कि आप मान के चलिए अगर फुल फ्लैश को अगर रीड करना चाहें तो लगभग 10 MB या 12 MB या 10 GB या 12 GB या 14 GB का फाइल होता है या 5 GB का भी फाइल होता है। तो इस तरह से अगर फुल फ्लैश को अगर आप रीड करते हैं, और पार्टीशन रीड का मतलब यह है कि अगर आप मान के चलिए आप सिर्फ उसका जो फार्मीवर फाइल है उसे अगर आप रीड करना चाहें तो उसे आप रीड कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग पार्टीशन को अलग करके आप रीड कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पहले वाले वीडियो जो मैंने कूलकॉम CPU का जो रीड करने वाला जो फ्लैश फाइल को रीड करने का जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने आपको दिखाया था कि चेक लगाना है पार्टीशन पर, ठीक है, तो चेक पार्टीशन पर जब आप लगाते हैं उसके बाद जैसे आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पे सारा का सारा जो लिस्ट दिखाता है। तो कई सब्सक्राइबर्स जो हमारे पास जो कमेंट्स आया था कि हम अलग अलग जो फाइल को कैसे रीड कर सकते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पार्टीशन पे आपको चेक लगा देना है, उसके बाद जो है आप जैसे स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे वो जो सारी की सारी जो वहाँ पे लिस्ट दिखाएगा तो आप कौन से फाइल को रीड करना चाहते हैं कौन से फाइल को रीड करना नहीं चाहते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं।
दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप यहां पे 7वें नंबर पे आप देख सकते हैं कि MI रिमूव ऑल अकाउंट और उसके बाद MI डिसेबल अकाउंट, ठीक है। तो MI अकाउंट को आप डिसेबल कर सकते हैं या रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी जो है मतलब पहले थी लेकिन काम नहीं कर रही थी, वर्क नहीं कर रही थी, लेकिन इस सेटअप में जो वर्क कर रहा है और काम करेगा इसमें, ठीक है। और इसके बारे में आपको बता दूं कि ये जो वर्क करेगा कहाँ पे करेगा, तो मैं आपको अभी थोड़ा सा मेडिकल टूल को जैसे ओपन करके मैं आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि कैसे जो है ये जो है MI का जो अकाउंट है जो वर्क करेगा और कौन से टूल में ये वर्क करने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम अपने मेडिकल टूल को जो ओपन कर लेते हैं 2.51। तो दोस्तों सबसे जरूरी बात मैं आपको और बता दूं कि इस जो मेडिकल टूल को जब आप इंस्टॉल करेंगे अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में, तो इसे आपको इंस्टॉल करने से पहले आपको जो है अपने जो एंटीवायरस है आपका उसे आपको डिसेबल करना होगा। डिसेबल करके आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और उसके बाद आपको अबाउट पे जाना है। अबाउट पे जाने के बाद आप अबाउट पे आपको क्लिक करना है और अबाउट पे क्लिक करने के बाद इस टूल को जो है आपको यहाँ पे रिपेयर फायरमेंबर में वो क्लिक कर देना है और ये रिपेयर हो जाएगा। और उसके बाद आपको फिर से जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पर जाना है, ठीक है। इस टूल में आपको रजिस्ट्रेशन पर आपको जाना है। रजिस्ट्रेशन पे जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप जैसे आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे उसके बाद चेक अपडेट डोंगल यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। ये सेटअप आपका जो है ओके हो जाएगा। उसके बाद आप इसमें जो काम कर सकते हैं इसमें आपका सारा का सारा जो प्रोसेसर वर्क करेगा। और चलिए अब बात करते हैं MI अकाउंट के बारे में। MI अकाउंट मैं आपको बता दूं कि एंड्रॉइड टूल जो है इसमें जो है ADB मोड के जरिए से ये जो है वर्क करेगा MI अकाउंट को रिसेट करने के लिए। और तो दोस्तों मैं इस जो है वीडियो में आपको बताने वाला नहीं हूं कि आप MI अकाउंट कैसे रिसेट करेंगे। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि करके दिखाऊंगा आपको कि MI अकाउंट जो है आप किस तरह से रिसेट कर सकते हैं, ओप्पो का, वीवो का और MI का, ठीक है। तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं फास्ट बूट और ADB, उसके बाद ADB एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इसमें ADB पहले था, फास्ट बूट था और इस टूल में जो है ADB एक्स्ट्रा जो है इसे ऐड किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि ADB एक्स्ट्रा में ही जो है MI अकाउंट का जो है लॉग जो है उसे MI अकाउंट को आप रिसेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं कि MI रिमूव ऑल अकाउंट, उसके बाद MI अकाउंट डिसेबल, ठीक है। तो अकाउंट को आप डिसेबल भी कर सकते हैं या रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन ये ADB मूट के जरिए जो है यहां पे ये मोबाइल बूट करेगा। और ADB मूट के जरिए से कैसे ये मोबाइल बूट करेगा, तो इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप MI अकाउंट को जो है रिसेट कर सकते हैं अपने एंड्रॉइड टूल में और मेडिकल बॉक्स में, ठीक है। और फिलहाल मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि आप कूलकॉम का कोई भी अगर मोबाइल होगा, चाहे ओप्पो हो, वीवो, किसी भी कंपनी का मोबाइल हो, चाहे वो सैमसंग का ही मोबाइल क्यों ना हो, उसमें अगर कूलकॉम का प्रोसेसर लगा हुआ है, ठीक है, कूलकॉम का अगर IC उसमें लगा हुआ है, तो CPU अगर लगा हुआ है, तो उसे आप जो है यहाँ पे रीड पैटर्न लॉक को जो है आप रीड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप पैटर्न लॉक को रीड करते हैं, इससे आपको फायदा यह होगा कि उसका जो कोई भी अगर मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल है, मान के चलिए उसका कॉन्टैक्ट नंबर है या कुछ भी है, उसके मोबाइल में कोई भी उसका जरूरी डेटा है, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट्स है, तो वह उनका जो है वो सारा जो चीज है वो बच जाएगा। तो दोस्तों पैटर्न लॉक को रीड करने के लिए हमें पोर्ट सेलेक्ट करना है। पोर्ट सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद हमें ऑटो प्रोग्रामर पर यहाँ पे चेक लगाना है। उसके बाद हमें सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे मैक एक्सएमएल को यहाँ पे चेक लगाना है, ठीक है। इन तीनों पे चेक लगाने के बाद उसके बाद हमें यहाँ पे रीड पैटर्न पे चेक लगाना है। रीड पैटर्न पे चेक लगाने के बाद यहाँ पे ऑटो मोड है, ऑटो मोड को ऑटो मोड में ही रहने देंगे हम। उसके बाद हमें यहाँ पे स्टार्ट बटन पर क्लिक कर देना है और जैसे स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो पैटर्न लॉग है वो यहाँ पे रीड होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा जो जिस मोबाइल को कूलकॉम CPU को हमने रीड किया है अभी, और उसका जो पैटर्न लोग यहाँ पे दिखा रहा है, कोड यहाँ पे देख रहे हैं आप ये जो रेड कलर में, तो ठीक है 741589, ठीक है, ये कोड जो यहाँ पे है इस कोड को हमें जो है उस मोबाइल में जो है डाल करके उसे अनलॉक करना होगा। चलिए हम आपको 741589 जो कोड हमें यहाँ पे दिखाया था हमारे मेडिकल टूल में, तो उस कोड को हमें यहाँ पे जो है यहाँ पे डालना है, ठीक है, और हमें अनलॉक करना है इस पैटर्न लोग को। चलिए हम इसे पैटर्न लोग को अनलॉक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमें 7 से लेकर के हमें 4 पर ले जाना होगा अपनी उंगली को, और 4 पर ले जाने के बाद हमें यहाँ पे जो है अपनी उंगली को 1 पर ले जाना होगा। 1 पर ले जाने के बाद हमें फिर यहाँ पे 5 पर लाना होगा। 5 पर लाने के बाद फिर हमें यहाँ पे जो है हमें अपनी उंगली को 8 पर लाना होगा। 8 पर लाने के बाद हमें फिर अपनी उंगली को 9 पर ले जाना होगा, ठीक है, और हमारा जो लॉग है अनलॉक हो जाएगा। तो देख सकते हैं आपकी हमारा जो लॉग है वो अनलॉक हो चुका है।
तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके किसी काम आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।